चलिए ये है हमारी विंडो एसी और आज हम इसको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसको पहले तो हम देखिए उतार के नीचे रख लेता, और ये छोटी एसी साइज की एसी है ना, इसलिए ये उठ जा रही है। लेकिन अगर बड़ी साइज की एसी होती, अभी यहाँ पर ये जो बड़ी एसियां रखी है डेढ़ डेढ़ टन वाली एसी, अगर इसको उठाएंगे तो बहुत भारी होता है। तो इसके अंदर हम समझते हैं होता क्या है। छोटी हो चाहे बड़ी हो, एसी तो एसी है और जो पार्ट है वो सब सेम है, बस डिफरेंट इस बात का है कि इसके अंदर जो पार्ट लगे हैं वो छोटे पार्ट है और उसके अंदर जो पार्ट होंगे वो बड़े पार्ट है, बस इसी बात का डिफरेंट है। तो ये छोटी वाली एसी है लेकिन है सब कुछ, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है ना उसके पास भी नाक कान मुंह सब कुछ होता है, सेम उसी तरह से इसके अंदर भी पूरा सिस्टम है, पूरा कूलिंग का सिस्टम। तो एसी को निकालने के लिए सबसे पहले ये जो बाहरी भाग है इसको बोलते हैं कैबिनेट, और कैबिनेट में से निकालने के लिए कभी कभी पीछे स्क्रू लगा होता है तो स्क्रू को खोल देना। इसमें स्क्रू नहीं लगा हुआ है, यहां से देखिए, यहां नजदीक से दिखाएंगे, यहां पे देखिए, ये पकड़ने के लिए एक जगह बना होता है, ये हर साइज के एसी में होता है। इसको पकड़ना है और बॉडी को ऊपर से सपोर्ट करना और इसको खींचना है, तो इस तरह से ये एसी निकलेगी। तो इसको बचा बचा के ऐसे करके इसमें से खींचना है और ये निकल जाएगी। तो फिर क्या करना है, इसकी बॉडी को हमें देखिए अलग कर देना होगा। यहाँ पर देख रहे हैं इसके कुछ स्क्रू निकल जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो टाइट करके छोड़ा गया पहले से इस तरह से। अब देखिए ये कंप्लीट हमारी एसी दिखाई दे रही है, ये हमारी विंडो एसी। चलिए हम इसके सिस्टम को समझाते हैं आपको, इधर से आइए दिखाइए यहाँ से। तो इसके अंदर है क्या क्या वो समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी पार्ट हो, सबसे महत्वपूर्ण हमारे कूलिंग सिस्टम का जो भाग होता है उसका नाम है कंप्रेसर। यह है कंप्रेसर मोटर। कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, मतलब यह गैस को एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है। जैसे जैसे हमारा दमकल वाला ट्यूबवेल होता है ना, वो पानी को एक तरफ से खींचता है दूसरी तरफ फेंकता है, सेम उसके अंदर भी कंडीशन यही है। ये एक मोटर है, ये छोटे साइज का मोटर है, बड़ी एसीओ में यही मोटर थोड़ा बड़े साइज का होता है। इसका काम है कि गैस को या एक साइड से खींचेगा दूसरी से फेंकेगा। खींचेगा कहां से, कैसे पहचाने, तो इसके अंदर जो पाइपें हैं नजदीक से देखेंगे, ये जो पाइप है एक पाइप की साइज मोटी है और एक पाइप की साइज पतली है। जो पाइप मोटी है वो सक्शन लाइन होती है और जो पतली पाइप है वो डिस्चार्ज लाइन होती है। तो डिस्चार्ज का मतलब जहां से गैस को फेंकता है, मतलब डिस्चार्ज करता है, बाहर निकालता है, और जहां से गैस को खींचता है वो सक्शन लाइन, और सक्शन लाइन में से ही एक लाइन निकली होती है जिसको बोलते हैं हम चार्जिंग लाइन। और देखिए यहां पर एनआरवी लगा है ना, एनआरवी वाल्व इसको बोलते हैं, ये लगा हुआ है। इसी रास्ते से इसमें हम गैस चार्ज करते हैं, प्रेशर चढ़ाते हैं, इसका लीकेज चेक करते हैं, ये सारे काम हम इसी वाल्व के जरिए करते। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर, और ऐसी बनावट वाले कंप्रेसर को बोलते हैं रोटरी कंप्रेसर। मतलब ये रोटरी कंप्रेसर है, पतला और लंबा होता है ना, देख रहे इसका एक्यूमुलेटर देखिए कितना छोटा है, जबकि बड़े कंप्रेसरों का बड़ा होता है। यहां पे साइड में एक बड़ा कंप्रेसर रखा है, एक बार इधर दिखाइए, देखिए ये कंप्रेसर मोटर, ये भी वही चीज है, वही कंप्रेसर है, बस इसकी साइज जो है देखिए कुछ बड़ी है क्योंकि ये बड़े एसी का है। तो ये कंप्रेसर बड़ा है, ये इसका एक्यूमुलेटर है, इसमें इधर सक्शन लाइन है, जिधर एक्यूमुलेटर होता है वो सक्शन लाइन, और जो डिस्चार्ज लाइन है वो वाली पाइप पतली होती है। हम आपको यहां पे विंडो एसी में दिखाते हैं, ये जो हमारी एसी है इसके अंदर देखिए ये हमारा कंप्रेसर, कंप्रेसर की पतली लाइन डिस्चार्ज लाइन, कंप्रेसर का कार्य गैस को सक्शन लाइन से खींचा, डिस्चार्ज से फेंका, और यहां से गैस निकल के गई तो गई कहां, कंडेंसर में। अब ये है इसका पूरा पीछे का भाग, कंडेंसर। कंडेंसर का क्या होता है, कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा के इतना घुमाता है कि गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदल देता है, यानी भाप को पानी बना देता है, ऐसा कंडेंसर। मतलब समझिए, जैसे अगर पानी है तो गर्म किया जाए तो भाप बनेगा, और भाप को अगर ठंडा किया जाए तो पानी बनेगा ना, ये उस भाप को ठंडा करके घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाता है, और जब वो पानी में बदल देता है तो वो पानी यहां से निकलता है बाहर। देखिए ये दूसरी वाली पाइप यहां से निकली हुई है ना, पहले ये डिस्चार्ज लाइन की पाइप देख लीजिए, यहां से पाइप देखिए ये ऐसे गई है, ऐसे गई है, और यहां से निकल के कंडेंसर में, और कंडेंसर में ये घूमी ऐसे ऐसे करके पूरा घूमी है, घूमने के बाद लास्ट में यहां से निकली है, और यहां पर लगा है फिल्टर। फिल्टर का मतलब छानकर शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन ये हर एसीओ में नहीं लगा होता है, कुछ ही एसीओ में लगा होता है। फिल्टर लगाना इसमें वैसे जरूरी नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह आता नहीं है। फिल्टर, और फिल्टर के बाद ये पतली वाली पाइप देख रहे हैं जैसे तिल्ली की तरह दिख रहा है ना, इतनी पतली है, और एक है ये कैपिलरी ट्यूब है, इसका कार्य होता है कि गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना।
मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। इसको एक्सपेंशन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। एक्सपेंशन डिवाइस का मतलब होता है प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मशीन, यानी जो लोग इसको इंग्लिश में बताते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस, यानी रेफ्रिजरेंट को प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मशीन। है कुछ नहीं, एक पतली सी तिल्ली है बस, और इसमें गैस का संचार होता है, पतला सा व्यास इसका होता है, छोटा सा सुराख होता है और इसके अंदर गैस का संचार होता है। अब समझिए, ये कैपिलरी ट्यूब के द्वारा जब गैस आती है, यहां से दिखाइए कैपिलरी ट्यूब को इधर, और गैस आती है यहां से निकल करके यहां तक, यानी इस साइड में, और यहां से गैस निकल के जाती है एवापोरेटर में। एवापोरेटर क्या होता है, इधर देखिए इसका जो आगे का सिरा होता है ये पूरा अपने आप में एवापोरेटर होता है, यानी जो हमारी ये एसी है ये आगे से पूरा एवापोरेटर होता है, ये वाला भाग। अब यही वो भाग है जो ठंडा होता है एसी में, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, चाहे वो वाटर कूलर, चाहे वो डिफ्रीजर, हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें ठंडा होने वाला भाग सिर्फ एवापोरेटर होता है। तो इसमें भी एवापोरेटर ठंडा होता है, और जब एवापोरेटर ठंडा होता है तो ये इसके अंदर ब्लोअर फैन चलता है, वो फैन क्या करता है, कमरे की ठंडी हवा को या कमरे की गर्म हवा को, यानी जो भी कमरे में हवा है उसको खींचेगा, और वो हवा जब इस पाइप में टकराएगी तो ठंडी हो जाएगी और ठंडी होकर बाहर निकलती, मतलब यह एवापोरेटर ठंडा होता है। और जब कैपिलरी ट्यूब से गैस आती है एवापोरेटर, तो एवापोरेटर का कार्य होता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को अपनी तरफ खींच के और वहां पे अपना कूलिंग का मतलब ठंडक का प्रभाव छोड़ देना, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। और फिर से जो गैस होती है, देख सकते हैं कि फिर से एवापोरेटर की जो गैस होती है वो निकल के जाती है, यहां पर नजदीक दिखाइए, यहां से देखिए ये वाली पाइप है, इस पाइप को दिखाना है, और ये वाली पाइप देखिए यहां से थोड़ा नीचे हुई है, फिर ऐसे आकर के ऊपर आई है, और यहां से इस रास्ते से होके यही वो पाइप है जो सक्शन लाइन में जुड़ी हुई है, यानी ये मैकेनिकल सिस्टम है। और कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाती है कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में बदलता है, उसके बाद निकल के जाती है यहां पर फिल्टर लगा होता है, फिल्टर का कार्य रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, और उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में जाती है जो कि रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करती है, यानी ये फिल्टर रेफ्रिजरेंट को शुद्ध करने के बाद कैपिलरी ट्यूब प्रेशर को कंट्रोल करती है, और उसके बाद गैस जाती है एवापोरेटर में, और एवापोरेटर ठंडा करता है, और फिर से गैस आती है सक्शन लाइन में। एक क्वेश्चन, एक मन में डाउट और हो सकता है, ये जो गैस है कहां पानी है, तो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जब निकलती है तो गैस निकलती है, वही गैस जब कंडेंसर में जाती है तो घुमाता है, उसको घुमा के ठंडा करता है, तो उस गैस को पानी बना देता है। अब जब फिल्टर में जाती है तो पानी जाता है, कैपिलरी ट्यूब में जाता है तो पानी जाता है, और जब वह एवापोरेटर में जाता है तो एवापोरेटर का कार्य क्या है, गर्मी को खींचना। और आप जानते हैं कि जब उस पानी को गर्म किया जाएगा, यानी गर्मी को खींचेगा, तो वह पानी गर्म होगा, और अगर वो पानी गर्म हुआ तो फिर वो क्या होगा, पानी गर्म होगा तो भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जब भाप हो जाएगा तो फिर से वो सक्शन लाइन में निकल करके चला जाएगा, और फिर डिस्चार्ज लाइन से वही भाप निकल के जाएगा, कंडेंसर वेपर से द्रव में बदलेगा, फिल्टर छानेगा, कैपिलरी कंट्रोल करेगी, एवापोरेटर ठंडा करेगा, और यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। ये थे मैकेनिकल भाग। लेकिन इसके अंदर अगर हम मोटरों की बात करें, इलेक्ट्रिक भागों की बात करें, तो एसी के अंदर मात्र दो या तीन मोटर होते हैं। दो मोटर में क्या, एक कंप्रेसर मोटर होता है, एक होता है इसके अंदर फैन मोटर यानी पंखा का, और इसके अलावा कुछ एसीओ में एक और मोटर होता है स्विंग मोटर, कुछ क्या, ये सभी एसीओ में होता है स्विंग मोटर। तीन मोटर होते हैं। स्विंग मोटर का कार्य होता है, ये ग्रिल होता है ना जहां से ठंडी हवा निकलती है, इसमें आगे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे धीरे धीरे चलता है ना, वो होता है स्विंग मोटर जो हमें चलाता है, वो जो ग्रिल को चलाता है। अब समझिए, ये जो स्विंग मोटर है, एक छोटा सा मोटर होता है, 220 वोल्ट एसी सप्लाई से डायरेक्ट चालू होता है, मतलब खंबे की सप्लाई अगर डायरेक्ट उसमें भी दे दिया जाए तो वो चल जाएगा। कंप्रेसर मोटर है हमारा, इसमें तीन पिन होती है, जिस प्रकार से सभी पंखा का मोटर होता है उसमें कॉमन होता है, रनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है, वैसे ही इसमें होता है। फैन मोटर इसका जो होता है उसमें हमारे हाई, मीडियम, लो भी होता है, और कैपेसिटर के भी वायर निकले होते हैं जिसको हम चेक भी कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर एक स्टीकर लगा होता है, यहां पर दिखा सकते हैं एक बार स्टीकर, इसके अंदर एक स्टीकर लगा होता है, और ये सभी एसीओ में आपको ये वाला स्टीकर मिल जाएगा, तो स्टीकर से देख करके भी आप हाई, मीडियम, लो समझ सकते हैं और इसको जोड़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको वायरिंग करेंगे, इसका कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। अगर किसी प्रकार का सवाल या सुझाव इसकी बनावट के हिसाब में आपका रह गया हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।